Assalamualaikum to my all sweet viewers and friends. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे. So friends, आज I welcome you all in another day, in another sweet and beautiful day. So आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंधी बिरयानी and it's gonna be very delicious recipe ever you have tasted in your life. तो इस ब्यूटीफुल इस टेस्टी रेसिपी को देखने के लिए मेरे साथ मेरे किचन में रहिए. अब सबसे पहले मैं इसके स्पाइसेस जो हैं वो आपको दिखा रही हूँ. स्पाइसेस में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 tablespoon red chili powder, 1 teaspoon haldi, turmeric powder, 1 tablespoon salt, 1 tablespoon red chili flakes. ये साबुत जो लाल मिर्ची होती हैं उन्हें आप ड्राई करके तो उसे ग्राइंड कर सकते हैं, तो उसकी ये लुक बन जाएगी खूबसूरत सी. सो ये हैं मेरे मसाले. और हाँ, इसमें एक और चीज़ चाहिए, सिंधी मसाला है आलू बहारा सूखा. ये बहुत ही यमी और डिलीशियस टेस्ट देता है बिरयानी में. स्मार्ट साउंड. ओके, यहाँ मैंने रखे हैं 2 बिग साइज पोटैटोस. आलू हैं मेरे 2 बड़े और इन्हें बिग चंक्स में काट लिया है. 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके साथ कुछ ग्रीन चिलीज हैं, पुदीना, मिंट लीव्स एंड 1 कप कर्ड यानी दही. तो ये हैं हमारे स्पाइसेस विद ऑल थिंग्स. अराउंड 1 केजी मेरा चिकन है, मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ. 4.5 कप्स यानी कि 4.5 कप चावल हैं और ये बासमती राइस हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ. बाकी इसमें हम कुछ टमाटोज यूज़ करेंगे अराउंड 3 to 4 और इसके साथ ग्रीन चिलीज और बाकी सिलान्ट्रो एंड मिंट लीव्स. सो इट्स पर एज टेस्ट, आपको जितना ही अच्छा लगे आप उतना ले सकते हैं. हेयर आई हैव स्लाइस्ड डाइस्ड माई यू नो 4 बिग अनियंस को मैंने यहाँ पर स्लाइस कर लिया है और दीज आर बिग साइज अनियंस. सो दीज आर इनफ फॉर टुडेज कुकिंग. आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी ऑफ अदर थिंग्स. ओके, और 1 कप अराउंड मेरा यहाँ पर ऑयल है. सो मैं कुकिंग ऑयल यहाँ पर 1 कप के आसपास यूज़ कर रही हूँ. आइए अब जल्दी से इस मज़ेदार डिलिशियस बिरयानी को स्टार्ट करते हैं और देखिए कि ये कितनी जल्दी झटपट बनती है. सो कीप वॉचिंग. ओके, मैंने यहाँ ऑयल ऐड कर दिया है. इसके साथ ही इसके जा रहे हैं थोड़े से क्यूमिन सीड्स. सॉरी, मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी. बस अब इसमें जा रहे हैं अनियन.
चलें, अनियंस तो चले गए यहाँ पर, और बस अब ऐसे हमने करना है गोल्डन ब्राउन। फ्लेम हाई करेंगे यहाँ। ओके, अनियंस का कलर यहाँ चेंज हो रहा है, सो बस इसे थोड़ा सा गोल्डन करेंगे एंड देन आई विल टेल यू दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट। कीप वॉचिंग दिस यमी टेस्टी बिरयानी। ओके, अब सॉस पैन में मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ और इसके साथ इसमें जाएंगे पोटैटोस। ब्यूटीफुल सा कलर आ जाएगा हमारे पोटैटोस पे और ये थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। ये भी कलर चेंज हो रहा है इनका भी और ये ब्यूटीफुल लुक में आ गए हैं। बस इनको हमने गोल्डन करना है। अंटिल गोल्डन वी नीड टू कुक देम, नीड टू कुक देम ऑन हाई फ्लेम। तो जब तक ये होता है लेट मी स्लाइस माय टोमेटोस। The closer look of my big chunks of potatoes and a closer look of my onions. So बस इसे golden brown करेंगे और ये थोड़ा सा crisp color पे आएगा तो फिर हम इसे निकालेंगे। आइए अपने tomatoes के को डाइस करते हैं। इस तरह से जल्दी से ये हो जाएगा इन टू हाफ्स। मैं इतने ही इसमें टमाटोज जो हैं वो यूज़ करूँगी क्योंकि मेरा दही जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। So a beautiful flower of my tomatoes is ready. आइए अब अपने अनियन चेक करते हैं। बस ये गोल्डन शेड में आना शुरू हो गए हैं लेकिन अभी भी इनका थोड़ा सा कलर क्रिस्टल है। आई नीड टू कुक देम फॉर अराउंड अबाउट 5 to 7 minutes मोर और ये तब तक जो है इनका एक गोल्डन क्रिस्प कलर जो है वो आ जाएगा। ओके, सो गोइंग टू रिमूव दिस, गोइंग टू टेक आउट माई पोटैटोज फ्रॉम दिस कलरफुल बॉइल्ड वाटर। ओके, चावलों का पानी रखती है उसमें मैं ये नमक 1 tablespoon सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, कुछ क्यूमिन सीड्स ऐड किए हैं और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें डालूँगी। चलिए थोड़ा सा ऑयल भी ऐड हो गया और बस जैसे ही पानी उबलता है तो फिर इसमें चावल ऐड कर देंगे। ऑन द अदर हैंड यू कैन सी कि मेरे जो अनियंस हैं वो हो गए हैं गोल्डन गोल्डन कलर के।
कुछ अनियन निकाल रही हूँ जस्ट फॉर द बेसिस ऑफ गार्निशिंग। और ये जो हाफ है इनमें ऐड करते हैं अब हम चिकन। एडिंग जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली। बस इसे एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे। Well, for 1 minute we will stir fry our ginger garlic. सब spices इसमें जा रहे हैं। मैंने मीडियम कर दिया है, मीडियम हाई, पहले हाई था और अब मीडियम हाई कर दिया है ताकि दही जो है वो इसके ऊपर अच्छे से मिक्स हो जाए। क्या मज़ेदार डिलीशियस टेस्ट आ रहा है मेरे मुंह में अभी से। बस ये हो गया है तकरीबन। चलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। और क्योंकि मेरे जो आलू हैं वो बॉयल हैं तो मुझे अपनी चिकन को बस पकाना है अच्छे से यहाँ तक कि टेंडर हो जाए। इसे कवर करते हैं ऑन लो हीट फॉर अबाउट 40 मिनट्स। सो सी यू गाइस आफ्टर 40 मिनट्स। चावल ऐड कर रही जी। आइए अब इनको निकालते हैं। बस मुझे इन्हें राउंड अबाउट 60% कुक करना है। ये देखिए ये थोड़ा सा सख्त है तो बस इतना ही रखना है। इसे जल्दी से निकालते हैं। आइए अब चेक करते हैं आफ्टर 40 मिनट्स चिकन की टेंडरनेस।
सो इट्स डन, ये कुक है। अब इसमें मैं अपने ये आलू ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को मीडियम हाई करेंगे ताकि हमारे आलू जो है वो जल्दी से इसमें कोटेड हो जाए, रहेंगे तो वो येलो कलर के। आप चाहें तो उसे मसाले के बगैर भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा मसाला उसके ऊपर। आइए इस मज़ेदार मसाले को निकालते हैं। सबसे पहले इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये फ्लावर बेड इसका टमाटोज का ऐड हो रहा है। थोड़े से पुदीने के पत्ते, हरी मिर्चें, इसको डालते हैं चावल की एक पे। क्योंकि चावल अभी हमारे गर्म ही हैं तो ये देखें 1 किलो, परफेक्ट टाइम पर हमारी दोनों चीज़ें रेडी हैं। अब इस पे ये थोड़ा सा क्रिस्प अनियन जा रहा है। बिरयानी मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। और अब अपना चिकन मसाला ऐड करेंगे। कुछ लेमन ऐड करेंगे। चलिए अब इसी तरह से मैं सारी जो है वो अपने राइस ऐड कर रही हूँ।
Now I'm adding the food color on the top. ये कुछ राइस मैंने अपने मसाले में ऐड किए थे तो बस उनको एक साइड पे डाल देंगे. ओके सी यू आफ्टर 5 मिनट्स. ओके 5 मिनट्स हो गए. आइए अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसकी कंडीशन. वाओ ये तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है. तो बस मैंने अपना स्टोव यहाँ पर ऑफ कर दिया है. आइए अब इसको डिश आउट करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ. ये इसका क्लोजर लुक देख लें आप. सो फ्रेंड्स ये है आज की ब्यूटीफुल सिंधी बिरयानी. आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी. सो फिर इंशाल्लाह आप सबको इसी तरह की डिलीशियस टेस्टी रेसिपी के साथ मिलूंगी. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. और अगर आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. इसके साथ ही चलती हूँ. अल्लाह हाफिज़.